आग बयान है अबू हाशिम आजमी द्वारा लोकतंत्र के महानायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वहीं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी अबू हाशिम आजमी ने किया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह अच्छे कुल और अच्छे संस्कारिक परिवार की यह भाषा नहीं हो सकती है और अच्छा संस्कार इनका नहीं है। इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो टिप्पणी उन्होंने किया है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जाकर के श्राइमीर थाने में आईपीसी की धारा 503, 504 एवं 153A के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी की जाए और अन्यथा वो आकर के आजमगढ़ की जनता से माफी मांगे और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ जितना भी पन पड़ेगा करने के लिए बाध्य होगा। पूरी बात नहीं, ऐसा है कि आजमगढ़ का नाम इसलिए आजमगढ़ रखा गया था कि आजम शाह साहब ने आजमगढ़ को बसाया था, योगी के बाप ने नहीं बसाया था। योगी को कोई राइट नहीं है, आजम शाह की प्रॉपर्टी आजम शाह ने नाम रखा और आजम शाह के नाम को मिटाने का मतलब यह हुआ है कि योगी साहब बिल्कुल फेल हैं, कोई काम नहीं कर सकते। मुझे लगता है योगी जी को सिर्फ मंदिर में बैठ के पूजा करना चाहिए और लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। वो बिल्कुल से इतना बड़ा भारतवर्ष का स्टेट, इस स्टेट की गद्दी पर बैठ के इस मजाक कर रहे हैं बैठ करके। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर योगी जी आपकी सरकार है तो आप कुछ नए शहर बना दीजिए ना। कहता कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। शर्म आना चाहिए, हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जग जाहिर है, सब जानते हैं कि 22 महीनों में 332 किलोमीटर का रोड ऐसा बना है कि जिसमें जेट जहाज भी उतारा गया। आज मैं देख रहा हूँ कि आज तकरीबन 4.5 साल हो गया मोदी सरकार को, बनारस से आजमगढ़ का रोड आज तक नहीं बना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, एक काम नहीं हो रहा है। जितनी भी स्कीमें अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी उन्हीं स्कीमों पे लेके बैठे और इंक्वायरी में लगे हुए हैं। आज तक ये मर जाएंगे लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी केस मिलने वाला नहीं है। आज ये इनकी पूरी कैबिनेट गई थी अयोध्या, कैबिनेट का अयोध्या में क्या काम है? सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पर। मैं अयोध्या गया हूँ, अयोध्या में हज़ारों मंदिर हैं, एक दो मंदिर नहीं है। अगर बाबर ने, मीर बाकी ने अगर एक मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई होती तो उस वक्त मीर बाकी या बाबर पूरी मंदिरें वहाँ की तोड़ सकते थे क्योंकि उनका राज था, लेकिन उन्होंने कभी ये काम नहीं किया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर काम किया और आज ये लोग, इनकी सरकार आई है, वो कहते हैं ना कि छोटी हांडी में उबाल आ गया। अभी सिर्फ 4.5 साल हुआ सरकार आके, 900 साल तक मुसलमानों ने राज किया लेकिन मुसलमानों ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। आज ये अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं लोग। जितने वादे किए थे उन्होंने कि भाइयों और बहनों मोदी सरकार ला दो 100 दिन के अंदर, जितना पैसा ब्लैक पड़ा हुआ है, ब्लैक मनी सब आएगा और बिना मांगे बिना कुछ काम किए 15-15 लाख रुपए के खाते में आ जाएगा। अब आज कह रहे हैं कि नहीं, ये तो एक जुमला था। अभी गडकरी जी का आपने एक बयान सुना होगा, गडकरी जी कह रहे हैं कि अपनी सरकार कहाँ आने वाली है, जो चाहो वादा कर दो, बोल दो जितना चाहो बोल दो। और उसके बाद फिर बोले हमको पता ही नहीं था हमारी सरकार आएगी, हमने बोल दिया जो बोलना था, अब सरकार आ गई तो काम एक भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को मिटाने के लिए ये लोग आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद कर रहे हैं और शहरों के नाम बदल रहे हैं। आज मुंबई जैसी जगह में जो इस देश का कैपिटल है, आर्थिक कैपिटल है, वहाँ लोग सड़कों पर आदमी और औरत बैठ करके टॉयलेट संडास करते हैं, शर्म नहीं आती इनको। ये लोग जो है शहरों के नाम बदलने में लगे हैं, शहरों के नाम बदलने में कितने 1000 करोड़ खर्च हो रहे हैं, सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। अगर उन्हीं पैसों से लोगों को नौकरी मिल जाती, नया शहर बस जाता, लोगों को सड़कें बन जाती, फैक्ट्री खुल जाती, स्कूल खुल जाते तो शायद कुछ काम होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो काट की हांडी चल रही है, 2019 में नरेंद्र मोदी जी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, अब तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकते।